नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए मात्र एक प्याज से 1 किलो चिकन बनाना सिखाऊंगी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है। और आप इसकी ग्रेवी देख सकते हो कितनी रसेदार है। तो चलिए हम फटाफट शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताना सिखाऊंगी, पूरा वीडियो देखिएगा। मैं हमेशा आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आती हूँ, तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा इस तरह की नई नई रेसिपी देखने के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ एक प्याज लिया है और इसे हम कट कर लेते हैं। तो उसे भी मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आपको यहाँ पे कट करना है प्याज को। तो पहले यहाँ पे हमने लंबे स्लाइस प्याज काटा है, फिर उसके बाद इस तरह से काट लें। तो देखिए, इस तरह से हम प्याज को काट लिए हैं और इस तरह से इसे खोल लेते हैं। देखिए, हाथों की सहायता से हमने इसे अच्छी तरह से खोल लिया है। तो देखिए, फटाफट काट लें और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप लोग सोच रहे हो कि एक प्याज में कैसा लगेगा, तो आप एक बार बना कर जरूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप प्रेशर कुकर लिया, प्रेशर कुकर में हम बना रहे हैं, आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हो। तो यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल यूज़ करेंगे। आप चाहे तो जो तेल खाते हैं वो यहाँ पे यूज़ करें। तेल अच्छा खासा गर्म हो चुका है। यहाँ पे 1 छोटा चम्मच हम जीरा डाल लेते हैं और उसे चटकने देते हैं। से चटक गया, अब इसमें हम तेज पत्ता डाल लेते हैं और साथ में कुछ खड़े मसाले हैं। यहाँ पे मेरे पास तो इलायची है, दालचीनी है और यहाँ पे लौंग अचार और साथ में एक बड़ी इलायची भी डाल देते हैं। खोल कर बड़ी इलायची को डालें, फ्लेवर अच्छे से इस तेल में आ जाना चाहिए। मसाले हमारे रोस्ट हो चुके हैं इस तेल में। अब यहाँ पे जो हमने प्याज को काटा था ना, वो हम इसमें डाल देते हैं और इसे सारे प्याज को हमने इसमें डाल दिया है और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई कर लेते हैं, यानी भून लेते हैं। तो इसे हमने चला दिया और इसे गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ पे मसाले देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने काजू लिए हैं, तो ये काजू को हमने पानी में भिगो के रख दिए थे, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके हम 2 टुकड़े कर लेते हैं यहाँ पे। तो लगभग हमने 6 से 7 यहाँ पे काजू लिए हैं, तो 2 टुकड़े कर लिए और इसे आपको भिगो कर रखना है आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छे से फूल जाए। अगर आप भिगो के आप नहीं रखते हो और तब इसे ग्राइंड करते हो ना, तो वो दरदरा पिसता है और मुँह में आता है, तो आपका जो ग्रेवी है ना वो क्रीमी नहीं बन पाता। तो हमने यहाँ आप देख सकते हैं टमाटर यहाँ पे लिया है। तो टमाटर को हमेशा आप ना इस तरह से ऊपर की तरफ रख के काटें, नीचे की तरफ रख के ना काटें, तो आपका रस नहीं निकलेगा। तो देखिए, ये वाले भाग हम हटा देते हैं और इसे काट लेते हैं। तो लगभग हमने यहाँ पे 1.5 टमाटर ले लिए और इसे इसमें डाल लेते हैं। अभी इसे हमें ग्राइंड नहीं करना है, इसमें एक चीज़ हम और डालेंगे और आधे टमाटर को हटा देते हैं। सकते हैं प्याज भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो गैस का फ्लेम यहाँ पे हम लो कर देंगे और मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह का गोल्डन ब्राउन होना चाहिए आपका प्याज। और जो हमने मिक्सर ग्राइंडर लिया था ना, जिसमें हमने टमाटर और काजू डाला था ना, उसी मिक्सर ग्राइंडर में यहाँ पे हम ये भुना हुआ प्याज डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आधा प्याज हम डाल लेते हैं और आधा इसे प्रेशर कुकर में रहने देते हैं, तो इसे ठंडा होकर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आधे प्याज को हमने मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया और वो जब ठंडे हो जाए तभी आपको ग्राइंड करना है, नहीं तो वो भाप से फेंक सकते हैं आपका ढक्कन। तो यहाँ हमने 1 केजी देसी चिकन लिया है, तो देसी चिकन हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसे हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। इसे हम अब मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, इसे हमें मिक्स कर लेना है इसे अच्छी तरह। अब इसमें हम कुछ सूखे हुए मसाले डाल लेते हैं। तो लगभग 1 चम्मच हम यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल लेते हैं और साथ में यहाँ पे हम 2 चम्मच यहाँ पे हम धनिया का पाउडर डाल लेते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और साथ में यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर डाल लेते हैं। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उतना डालें। तो मैं यहाँ 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और इसे मिक्स करते हुए हम 2 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम भुनेंगे। मैंने अभी नमक नहीं डाला है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, नमक अभी ना डालें। इसे मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे आपको भुनना है आपको 2 मिनट के लिए। तो यहाँ चिकन को हमने 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसमें हम अदरक लहसुन और गोल मिर्च इसी में हमने डाल दिया था, इसका हमने पेस्ट डाल दिया है इसमें। और साथ में ये जो हमने टमाटर और काजू का पेस्ट बनाया था ना और प्याज का, वो हम डाल देते हैं इसमें।
आप देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्सचर इसका आया है, बहुत ही अच्छा। जब आप काजू को फुला कर डालते हो ना, अगर समय कम है तो आप इसे गर्म पानी में फुला दें, 15 मिनट में बहुत अच्छी तरह से फूल जाते हैं, 10-15 मिनट में। और नहीं तो आप इसी तरह आधे घंटे के लिए रख दें तो बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। अब मसाले को डालते हुए इसे हम अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर इसे भूनेंगे। हमें इसे ढक कर भूनना है, तो ढक इसे हमने ढकते हुए इसे मीडियम फ्लेम पर हम इसे भून रहे हैं। भूनना बहुत ज़रूरी है, अगर चिकन अच्छी तरह से भुनेगा नहीं तो वो टेस्ट नहीं आ पाता है। तो इसे आप बहुत ही अच्छी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम करते हुए इसे भुने। अब यहाँ पे लगभग आधा से ज़्यादा ये भुन चुका है, तो यहाँ पे हम गरम मसाला डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच, नहीं तो आप यहाँ पे चिकन मसाला भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने डालते हुए फिर से इसे मिक्स किया, तो आधा से ज़्यादा भुन गया, थोड़ा सा और भुनना बाकी है। जब तक ये तेल ना छोड़ देना तब तक आपको इसे अच्छी तरह से भूनते रहना, तेल छोड़ दे समझ जाए कि आपके मसाले पक गए हैं। इसे ढक कर कुक कर रहे हैं और ये लगभग हो चुका है, बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे ये तेल भी छोड़ चुका है। आप देख सकते हैं तेल भी छोड़ चुका है यहाँ पे, और ये इसका कलर भी चेंज हो चुका है, बहुत ही क्रीमी क्रीमी बना है। तो ये देखिए, अगर आपको ड्राई खाना है तो यहाँ पे हल्का सा पानी डाल दें और फिर से हल्का सा भून लें, तो फिर ये आपका चिकन हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से चिकन भी लाल हो चुका है एकदम। अब यहाँ पे एक चीज़ हम और ऐसा डालेंगे जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाए। पहले हम नमक इसमें डाल लेते हैं, क्योंकि हमने नमक नहीं डाला है, तो स्वाद अनुसार यहाँ पे हम नमक डाल लेते हैं। और यहाँ पे हम लास्ट में 1 चम्मच घी डाल लेते हैं, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, आप जितना पसंद करते हैं उस हिसाब से यहाँ पे घी डालें। घी से इसका फ्लेवर और उभर कर आता है, तो ये डालना ना भूलें। घी डाल के इसे हम मिला लेते हैं, ये हमारा लास्ट स्टेज है। गैस का फ्लेम लो कर दें ताकि मसाले चिपक रहे हमारे। अब फटाफट इसमें हम पानी डाल देते हैं, कितना अच्छा कलर इसका आया, बहुत ही अच्छी तरह से भुना है ये। जितना आपको ग्रेवी पसंद है उस हिसाब से इसमें आप पानी डालें। चावल के साथ खा रहे हैं तो थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा रखें, रोटी के साथ खा रहे हैं तो आप थोड़े सी यानी कि थोड़े से लटपटा रखें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं इसे चावल के साथ खाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा रस ग्रेवी रख रही हूँ इसमें। अब इसे हम प्रेशर कुकर को ढक्कन लगा देते हैं और 3 सीटी आने तक इसे कुक करेंगे। यहाँ पे 3 सीटी मीडियम फ्लेम पे लगाई है, क्योंकि देसी चिकन ही थोड़े से कुक होने में टाइम लगते हैं, तो हमने 3 सीटी लगाई है। आप जैसा है उस हिसाब से आप सीटी लगाएं और चेक कर लें। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत आया है इस चिकन का, बहुत ही अच्छा है। अभी ये गरम गरम है, तो गर्म होने के कारण थोड़ी सी इसकी ग्रेवी पतली होती है, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे ये हल्की ठंडी होगी ना, तो इसका ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, तो आप इस बात का ध्यान रखें। अभी भी लेकिन ये गर्म होने पे भी ये गाढ़ी इसकी ग्रेवी लग रही है। तो देखिए चिकन हमारा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।